नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 26 जून के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। हर रोज़ गिर कर भी मुकम्मल खड़ा है, ऐ ज़िंदगी देख मेरे हौसले तुझसे कितने बड़े हैं। तो दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, स्वागत है आपका। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और PDF अगर डाउनलोड करना चाहें तो आप PDF टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप डाउनलोड करें। आज के करंट अफेयर्स में हम बात करने वाले हैं 12 टॉप मोस्ट आज के क्वेश्चंस के बारे में। उससे पहले अपन बात करते हैं कल के रिविजन क्लासेस के, जो मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहले पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, वो तिथि कब की है? 16 जून। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, वो तिथि कब की है? 15 जून। कब मनाया जाता है? 15 जून को। राइट आंसर क्या है? 15 जून। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसके द्वारा इंडियन गैस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों, वो किसके द्वारा, किसने लॉन्च किया था? वो मंत्री जी हैं धर्मेंद्र प्रधान। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, किस बैंक ने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश की सुविधा की? तो दोस्तों, वो बैंक है ICICI बैंक। कौन सी बैंक है? ICICI बैंक। बात करते हैं अपन अगले लास्ट क्वेश्चन की, हाल ही में किस सरकार राज्य सरकार ने एथलीट हिमा दास का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए खेल मंत्रालय को भेजा है? तो वो सरकार कौन सी राज्य की सरकार है? असम राज्य की सरकार है। तो दोस्तों, ये थे 5 रिवीजन के लिए क्वेश्चन दिए थे मैंने, उन क्वेश्चन का आपने कमेंट बॉक्स में जवाब दिया, उनके लिए थैंक यू। अब बात करते हैं अपन नए आज के करंट अफेयर्स के बारे में। आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन जो है वो है, हाल ही में DK जैन का भारतीय कंट्रोल बोर्ड BCCI के बतौर आचरण अधिकारी और लोकपाल के रूप में कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था? तो दोस्तों, वो कितने साल के लिए बढ़ाए? 1 साल के लिए। दोस्तों, जैन को सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2019 में BCCI के पहले लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद उन्हें आचरण अधिकारी का अतिरिक्त पदभार सौंपा गया था। उनका कार्यकाल इस साल 29 फरवरी को समाप्त हो गया था। उसके लिए उनको अनुबंध को रिन्यू कर दिया गया है। तो दोस्तों, अपन बात करते हैं कुछ बोर्ड ऑफ कंट्रोल BCCI के जो प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है सौरव गांगुली, जो पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके हैं, आप उनको जानते भी होंगे। सेक्रेटरी हैं JSI, हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई, और इसकी स्थापना की थी वो दिसंबर 1928 में की गई थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों, वो देश है बहरीन। कौन करेगा? बहरीन। हाल ही में एशियाई पैरा ओलंपिक समिति APC ने बहरीन में आयोजित होने वाली एशियाई युवा पैरा ओलंपिक गेम के चौथे संस्करण को दिसंबर 2021 में आयोजित किए जाने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का आयोजन बहरीन की राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति के सहयोग से किया जाएगा। तो दोस्तों, ये आने वाले एग्जाम के हिसाब से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं बहरीन पैरा ओलंपिक समिति के बारे में। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं शेख मोहम्मद बिन दुएज अल खलीफा, और जो बहरीन के राजा हैं वो हैं हमद बिन ईसा उल खलीफा, और बहरीन की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो है मनामा, और बहरीन की जो मुद्रा है वो है बहरीन दिरान। एशियन पैरा ओलंपिक कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं रिसेंटली अभी है, वो हैं माजिद राशिद। फाउंडेड है, जो इसकी स्थापना की वो 30 अक्टूबर 2002 में की थी। फाउंडेड बाय किसके द्वारा किए गए थे? बुसान साउथ कोरिया के द्वारा, और सॉरी वहाँ पे बुसान में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर जो इसका है वो है अबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात, और जो इसका एफिलेशन है वो है इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी के द्वारा इसका एफिलेशन मिला हुआ है।
हाल ही में बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन से देश का 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC का अस्थायी सदस्य चुना गया है? दोस्तों वो देश कौन सा है, सबको पता होना चाहिए, भारत। हाल ही में 193 सदस्य संयुक्त राष्ट्र महासभा में एशियाई प्रशांत सीट पर 184 वोट हासिल करने के बाद 2 साल के कार्यकाल हेतु भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। भारत साल 2021-22 के लिए इस सर्वोच्च संस्था का अस्थायी सदस्य चुना गया है। दोस्तों इसके बारे में अपन और थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। भारत के साथ साथ इसमें आयरलैंड, मेक्सिको और नॉर्वे ने भी 17 जून 2020 को आईजी सुरक्षा परिषद के चुनाव जीते हैं। भारत इससे पहले 1950-51, 1967-68, 1972-73, 77-78, 1984-85 और 91-92 और 2011-12 में भी अस्थायी सदस्य चुना गया था। सुरक्षा परिषद में मौजूदगी में किसी भी देश का यूएन प्रणाली को दखल और दबदबे का दायरा बढ़ जाता है मौजूदगी से। इससे ये कोई भी सुरक्षा प्रणाली में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत होती है किसी भी देश में, तो उसके लिए उसका दायरा और बढ़ जाता है। ऐसे में 8 साल बाद भारत का सुरक्षा परिषद में पहुंचना काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी जैसे वो तनाव तनाव के मुद्दे चल रहे हैं चीन के साथ, पाकिस्तान और इधर नेपाल में भी, तो उसी दृष्टि से देखें तो अपने भारत की स्थिति इसमें नाम आना, सदस्य बनना भी वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल क्या है एक बार इसके बारे में आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख हिस्सों में से एक है। इसका मुख्य कार्य विश्व भर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। यह परिषद दुनिया भर के देशों में शांति मिशन भी भेजता है और अगर यह दुनिया में किसी हिस्से में मिलिट्री एक्शन की जरूरत होती है तो सुरक्षा परिषद रेजुलेशन के जरिए उसे लागू भी करवाता है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप इसको नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। कौन सी बार कितनी बार भारत पहले भी चुना जा चुका है, कौन कौन से सन में और अब कितने साल के लिए चुना गया है और कौन सी बार चुना गया है, तो ये सब पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको नोट कर लीजिएगा। यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है USA में। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वो है यूनाइटेड नेशन। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन नंबर 4 की। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों वो मनाया जाता है 18 जून को। गैस्ट्रोनॉमी को कभी कभी पाक कला अथवा भोजन कला की भोजन का बनाने की कला भी कहा जाता है। यह एक विशिष्ट क्षेत्र में जुड़ी हुई खाना पकाने की विधि भी हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर 2016 को, ये थोड़ा मिस्टेक रह गया, टाइपिंग मिस्टेक, 21 दिसंबर 2016 को, आप नोट कर लीजिएगा इसको, 21 दिसंबर 2016 को प्रस्ताव में अपनाने के बाद 18 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी के डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। तो दोस्तों ये 18 जून है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी आप देख लीजिए, 8 जून की जगह 18 जून है, कौन सा ये 18 जून है, तो ये थोड़ा मिस्टेक रह गया था, सॉरी उसके लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इससे पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट डेट बता देता हूँ जो जून के महीने में थी और उसके अभी तक मैंने जो करवाए क्वेश्चन उनके अंदर भी आ चुका है। विश्व दूध दिवस 1 जून को कब कब मनाए जाते हैं, डेज जो इम्पोर्टेंट डेज है वो बता रहा हूँ। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 1 जून को, तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून को, विश्व साइकिल दिवस 3 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून, विश्व महासागर दिवस 8 जून, विश्व प्रत्यान दिवस 9 जून, बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस 12 जून, अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनिज्म रंगहीनता दिवस 13 जून,
विश्व रक्तदान दिवस 14 जून, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस 15 जून को, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिस्ट्रिफिकेशन एंड ट्रॉट 17 जून को। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट डेट हैं, तो आप थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट कर सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मंत्री अच्युत उसगांवकर का निधन हो गया? तो दोस्तों वो किस राज्य के थे? वो थे गोवा के। वह महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी MGP के नेता थे, जो गोवा के सबसे स्थापित स्थानीय संगठन है। उन्होंने 13 अगस्त 1977 से 27 अप्रैल 1979 तक गोवा, दमन, दीप, तत्कालीन काकोडकर सरकार में, शशिकला काकोडकर सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया था। गोवा की अपन बात करें, गोवा का जो क्षेत्रफल है वो 3,702 किलोमीटर है। उसकी जो पॉपुलेशन है 18.2 लाख है। इसकी जो राजधानी है वो पणजी है। इसके CM जो है प्रमोद सावंत हैं और इसके राज्यपाल हैं वो सतपाल मलिक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हाल ही में किस राज्य पर दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और रोजगार के लिए समग्र क्षेत्रीय CRC का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों वो किया गया था रांची में, जो कि झारखंड में आता है। इस केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत और केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया था। यह 21वां समग्र क्षेत्रीय केंद्र होगा जो झारखंड के विकलांग लोगों के लिए की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करेगा। झारखंड की बात करें तो झारखंड की पॉपुलेशन है 3.19 करोड़। वहाँ की राजधानी है, कैपिटल जो है रांची और CM है हेमंत सोरेन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किस तिथि को रानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि मनाई गई थी? तो दोस्तों वो तिथि थी 18 जून। किस तिथि को? 18 जून। दोस्तों लक्ष्मीबाई के बारे में अपन कुछ बात करें तो उनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 को और इनकी मृत्यु हुई थी 18 जून 1858 में। कहाँ पे हुई थी? ग्वालियर। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। इनका पूरा नाम था मणिकर्णिका तांबे। इनका उपनाम जिस नाम से जाने जाते वो मन्नू। इनके पिताजी का नाम था मोरोपत तांबे और माता का नाम था इनका भागीरथी सापरे। इनके पति का नाम था झांसी नरेश महाराज गंगाधर राव नेवालकर। इनके दो पुत्र थे, एक का नाम था दामोदर राव, दूसरा था आनंद राव। जो आनंद राव थे उनको इन्होंने गोद लिया गया था, जो इनके दत्तक पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 8 बात करते हैं। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ? दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको ये लग रहा होगा करंट का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसमें कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए इसको मैंने इसमें काउंट किया है। तो थोड़ा सा इसको इम्पोर्टेंट के तौर पे देखते हैं। अभी देखते हैं विश्व युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 को। भारत द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए अपनी तीनों सेनाओं के सैन्य दल को रूस के मास्को में भेजेगा। यह समारोह 24 जून 2020 को आयोजित होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था, अब मैं एक थोड़ा सा और बता दूँ। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 18 जुलाई 1914। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 28 जुलाई 1914
14 में, और कब तक चला था? 11/11/1918 तक, 11/11/1918 तक चला था। तो दोस्तों ये मैंने क्वेश्चन इसीलिए लिया था कि अभी हाल ही में 24 जून को, कल परसों 24 जून को ये आयोजित, ये समारोह आयोजित होगा हुआ है, उसके अंदर 75वें विजय दिवस परेड के रूप में भाग लेने के लिए भारत के तीनों सेनाओं के दल को रूस के मास्को में भेजा गया था, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने जोड़ा। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के हिसाब से, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के खड़गिया जिले में गरीब कल्याण रोजगार योजना अभियान शुरू किया? तो दोस्तों वो राज्य है बिहार। गरीब कल्याण योजना अभियान, इस कार्यक्रम में 6 राज्यों में 6 जिलों के गांवों को कॉमन बिहार सर्विस सेंटर कृषि विज्ञान के माध्यम से जोड़ा जाएगा। जो 6 राज्य हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार। भारत सरकार के द्वारा बिहार के खड़िंगा जिले में ब्लॉक बेलदार के ग्राम तेलीहार से गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया। यह एक विशाल ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना है जो वापस आने वाले प्रवासी श्रमिकों सहित ग्रामीण नागरिकों को सशक्त बनाने और आजीविका के अवसर प्रदान कर में काम आएगी। तो ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। इसके बारे में थोड़ा और बता देता हूँ मैं आपको डिटेल के अंदर। गरीब कल्याण रोजगार योजना अभियान 125 दिनों तक चलने वाला अभियान होगा जो मिशन मोड में काम करेगा। यह विभिन्न मंत्रालय विभागों जैसे ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सड़क परिवहन, राजमार्ग, खान, पेयजल और स्वच्छता, दूरसंचार, कृषि, नवीन नवीकरण, मतलब 12 मंत्रालयों में ये कार्य करेगा। इस अभियान में 50,000 करोड़ रुपए के फंड में से एक तरफ प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रकार के 25 कार्यों को त्रिव केंद्रित क्रियान्वित होगा और दूसरी बुनियादी के रूप में ढांचे का निर्माण किया जाएगा। हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने भारत के गरीब और कमजोर वर्ग के पर लड़ने वाले COVID-19 के प्रभाव के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण देने की घोषणा की है? तो दोस्तों वो है 750 मिलियन डॉलर। कितने मिलियन डॉलर की? 750 मिलियन डॉलर। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर जो है बीजिंग चाइना में है, अध्यक्ष इसके हैं वो जिन लिंकुन, इसके जो है वो अध्यक्ष हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने भारत के ड्रोन मालिकों के लिए भारत का पहला पे एज यू फ्लाई नामक इंश्योरेंस लॉन्च करने के लिए किस देश की टेक कंपनी ट्रोपोगो लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों वो कंपनी किस देश की है? वो है यूनाइटेड किंगडम की। जो ये जो योजना है ये इसके लिए अपने जो ड्रोन के लिए फोटोग्राफी का काम करते हैं वो ड्रोन का ख़राब हो जाए और हो जाए उसके चक्कर में ड्रोन को सुरक्षा देने के लिए HDFC एग्रो ने ट्रोपो गो लिमिटेड कंपनी के साथ में इन्होंने साझेदारी की है ड्रोन मालिकों के साथ में, जिससे ये सुरक्षा के तौर पे काम आएगा। और ये किसके साथ की है? HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस, इसके MD CEO हैं रितेश कुमार, इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई, तो इसका मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में। हाल ही में किस व्यक्ति को ऐप आधारित टैक्सी सेवा देने वाले कंपनी ऊबर ने एशिया प्रांत और क्षेत्रीय महाप्रबंधक रीजनल मैनेजर नियुक्त किया है?
तो किसको किया था दोस्तों? प्रदीप परमेश्वरन को। किसको? प्रदीप परमेश्वरन को। प्रदीप परमेश्वरन को अभी ऊबर के भारत और दक्षिण एशिया के अध्यक्ष हैं। वह भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका के बाजारों में कामकाज को देखते हैं। नई भूमिका के रूप में वह 6 और देशों, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कामकाज भी देखेंगे। ये तो दोस्तों ये थे आज के टॉप मोस्ट 12 क्वेश्चंस। अब बात करते हैं अपन कुछ रिवीजन क्लासेस के लिए। मैं आपको 5 क्वेश्चन, मैं जैसे कि हमेशा देता हूँ वैसे वही 5 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देने आके। भारत व चीन के बीच किस स्थान पर सीमा विवाद के कारण हिंसक झड़प हुई थी? पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहीद परिवारों को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस ग्रैंड मास्टर शखरियार मेमोदोरोव ने वर्ल्ड स्टार साझा ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज कप जीता था? क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य में रज पर्व अथवा राजा पर्व उत्सव मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस संस्था को पीएम केयर्स एंड फंड का ऑडिटर बनाया गया? तो दोस्तों ये है 5 क्वेश्चन आपको, इसके इनके जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो दोस्तों अगर आप वीडियो में पहली बार, आज चैनल पे आप पहली बार जुड़ रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और PDF डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो डिस्क्रिप्शन से भी कर सकते हैं, और अपने पहल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से भी और व्हाट्सएप से भी आप ले सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल की नए क्वेश्चन के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।